अरे टांग कुल्ले अरे चुप रहा यार चिल्लो मत दौड़ा हट जा यार राजकुमार को लिया का बड़ा लड़का है राजकुमार जायसवाल का। हाँ हाँ ये थोड़ी बड़ा लड़का यही है वीडियो बना रहे तुम बाग। हाँ ये बड़ा लड़का नहीं यही है यार हम बता रहे थे बाग मारा राजकुमार जायसवाल का हाँ, तीन है तो कहाँ ले जा रहा उठा के बोला है प्रशासन को कुछ अंदर अंदर देखिए हम लोग बहुत पहले कहे थे चुनाव से पहले कि हम जनता के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं और अधिकारियों के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा इनका नज़ारा देखा आपने जिस दिन वोटिंग हो रही थी
सत्ता दल के विधायक की मौजूदगी में विपक्ष पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो समाजवादी पार्टी के लोगों को जिस तरह से पिटाई करना अपमानित करना जानबूझ करके ऐसा काम करना पोलिंग को प्रभावित करना तो ऐसी घटना इन्होंने किया है। इनके विरुद्ध तो अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। ये जिलाधिकारी भी हैं जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं तो इसलिए हम लोगों ने इनसे मांग किया अब तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई अब क्या करते हैं आज करेंगे कल करेंगे लेकिन हम लोग ये मांग करने आए हैं कि ऐसे अधिकारी जो विवादित हो जो निर्णय को प्रभावित करेंगे गणना को प्रभावित करेंगे ऐसे लोगों के मतगणना के कार्य से दूर रखा जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की। आप विधायक भी हैं विशेषाधिकार भी आपका है तो अगर इस मामले को क्या सदन में भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हम लोग कहे हैं यदि नहीं मानते कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये सरकारी इशारे पर जो ये काम कर रहे हैं अधिकारी इनके कारनामे को हम लोग निश्चित रूप से विधानसभा में उठाने का। हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे कप्तान साहब के पास गए थे बोलने गए थे क्योंकि पहले सरकार में लाज और शर्म थी आज लाज और शर्म खत्म हो गया है। विधायक के इशारे पर अगर एक सीईओ थप्पड़ मारता है चेयरमैन के भाई को बेटा को यह बड़ी शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर इसी बात पर अगर डंडा उठाने लगे क्योंकि इशारे पर ही होगा तो हो सकता है कि इशारे पर कार्यकर्ता भी उठाएं तो चंदौली में एक बहुत बड़ा बवाल होने का काम होगा। आज हम लोग कहने गए थे कप्तान साहब को अगर वो नहीं सुनवाई होगी तो अगर जो भी कुछ होगा वो कप्तान साहब इसके बारे में जाने जाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।